से आज जो विश्वास मताया है इस पर पक्ष और विपक्ष अपनी बात रख रहे हैं। विपक्ष के मेरे साथी खड़े होकर बोल रहे हैं कि ये सरकार ना ये बिल्कुल फेलियर सरकार है, इस सरकार ने कुछ नहीं करा। बड़ी गजब की बात है सर। रुक जाओ भाई, मैं तो बोला भी नहीं था और पहले मिर्ची लग गई। रुको, कोई बात नहीं, मेरे भी आप बोल रहे थे, मैं भी चुपचाप सुन रहा था। सर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, 60 साल तक हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार रही और उन्हें एक नारा दिया थी, नारा दिया कि भाई कांग्रेस लाओ और गरीब भी हटाओ। तो जितनी मेरी उम्र है ना, मैं तो जब तक तो देख रहा हूँ सुन रहा हूँ, मैंने कभी कोई कांग्रेस का दूसरा नारा नहीं सुना जी। आप लोगों ने सुना, वीरेंद्र जी ने भी बेरा कोई दूसरा नारा कांग्रेस ने लगाया, तो मैं पूछना चाह रहा हूं जी कि भाई एक भी नारा बता दे जी, या कोई विकास के नाम पे या किसी चीज के नाम पे इन्होंने कभी कोई दूसरा नारा भी लगाया जी। और जो नारा लगाया ना जी, उसमें भी छलियों वाले काम कर रखे थे जी, मतलब एक भी काम इनने पूरा नहीं करके दिया जी, के काम पूरा करके दिया जी। यह अभी बात कर रहे हैं कि भाई ये बड़े शान के साथ बता रहे हैं कि भाई हमने बीपीएल कार्ड बनाए, हमने ये किया, बताएंगे क्यों नहीं? आप लोगों ने तो मार दिए थे, मनरेगा की जो दिहाड़ी करने वाला आदमी है ना जी, वो भी 1,20,000 रुपए की इनकम को क्रॉस कर जाता था। और जब हम लोग नए नए बने विधायक जी, तो हमारे पास भी लोग आया करते, आगे बोले जी हमारा बीपीएल कार्ड कट गया। जब हमने तो उसको स्टडी किया, तब पाया कि 1,20,000 रुपए से ऊपर जिसकी इनकम है ना, ये सारे कांग्रेसी उन्हें अमीर बताया करते जी, और उसका राशन कार्ड कट जाता और मर जाता बेचारा। बोला भाई थारे इतने तरह के बंधन लगा दिए कि भाई बाइक नहीं कर मौत, छत पक्की हो वो नहीं हो, भाई जनरल कास्ट का नहीं बनेगा, बीसी का नहीं बनेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक काम इतना बढ़िया कर दिया जी, बोले भाई यार इनकम वाला जो सोर्स है ना, जो सिस्टम है, हम लोग इसको खड़ा करेंगे और जाति पाति खत्म करेंगे। और जाति पाति खत्म करके सर पहली बार अपनी बात को पानी चढ़ाया, फूल चढ़ाए, और वो ये कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और इसलिए कोई मतभेद नहीं। 1,80,000 रुपए से कम की जिसकी इनकम, उन सब लोगों के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था, उनको हमने उनके घर तक जाके उपलब्ध कराया। सर मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं, ये हर बार बोले फेलियर सरकार, फेलियर सरकार। एक बात पूछो जिन लोगों से कि भाई तुमने 60 साल में ना, अगर गरीब आदमी अगर वो जब बीमार हो जाए तो तुमने उसके लिए कोई बंदोबस्त कराया 60 साल में? सर बेरा भी नहीं लागे ना, पता भी नहीं, समझ भी नहीं थी जी। अरे एक गरीब माँ का बेटा जिसका विरोध करने के लिए सारे चोर कट्ठे होकर जी मारा रुके हो, ले भाई इना टालो, इसका ये कर लो, कुछ नहीं जी। गरीब आदमी है ना, दोनों हाथ खड़े करके नुआ आशीर्वाद देने लग रहा है कि बिले के तो 400 पार मारेंगे दे के। सर वो इसलिए कर रहा है, उस आदमी ने ऐसा काम कर दिया जो कदे लोग सपने में भी नहीं सोच पाए। और वो काम क्या कर रहा सर? पहले गरीब आदमी अगर जब बेचारा बीमार हो जाए था, तो वो अंगूठा लगाया गया तो कहीं जाके, या अपना घर गिरवी रखेगा, और वो बेचारा तब इलाज कराए। आज ऐसा काम कर दिया कर वो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जो अब तक थे आदरणीय मनोहर लाल जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि सर 5 लाख रुपए तक का इलाज कोई भी आदमी गरीब जिसका ये कार्ड बन गया और जिसकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उसके घर पे चिरायू हरियाणा का कार्ड बना के हम लोगों ने भेज दिया और कहा कि जा कड़ी भी जाकर तू अपना इलाज करा, मौज मार, कड़ी भी तने अंगूठा नहीं लगाना पड़ेगा, गर्दन नहीं झुकानी पड़ेगी। मैं पूछना चाहूं जी कि भाई जो लोग नुगा रहे हैं अगर भाई जमा फेलियर सरकार है, नाश कर दिया, वह एक अपनी तो उपलब्धि गिनती की करके 60 साल में कोई एक तो करा होगा जी काम, वो एक काम में गिना दियो जी। और इतना नहीं करा हमने तो, उससे भी आगे चले गए। एक दिन एक कांग्रेसी मेरे को कहने लगा, मारा दोस्त है, नाम तो नहीं लेंदा जी,
और मेरे को कहने लगे बोले भाई डांडा साहब जो ये 1,80,000 रुपया वाला आदमी है यू तो तुमने कहा है कि भाई इसका तो हम बना के दे देंगे घर तक, मगर जिसकी इनकम 1,81,000 रुपये है वो अमीर हो गया। मैंने कहा जी भाई हमने तो नहीं कहा अमीर हो गया, हमने तो उसका भी बंदोबस्त करा, उसकी समस्या था बेचारे के मन में अक भाई यू 1,81,000 रुपये वाला आदमी अगर इन्हें इलाज कराना हो ये कहाँ जाए। हमारी दूरदृष्टि बहुत ठीक है, हम बहुत सोच समझ के काम करने वाले लोग हैं, इसलिए हमने एक इतना बढ़िया काम कर दिया कि भाई जिसकी इनकम 1,80,000 रुपये से ऊपर है और 3 लाख रुपये से नीचे वो 1,500 रुपये दे दो और अपना जाके चिराई हरियाणा कार्ड बनवा लो, सारे कुंबे तो 5 लाख रुपये तक का इलाज हम लोगों ने कर दिया, करेंगे नहीं, कल्याणकारी नीति नहीं बनाई। अरे हम तो इससे भी ऊपर चले गए, जिसकी इनकम 3 लाख रुपये से ऊपर है और 6 लाख रुपये से नीचे, इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई 4,500 रुपये दे दो उसका भी कार्ड। सर हमने तो हर उस आदमी के लिए जो बेचारा कहीं भी अभाव के कारण अपनी जान दे देता, पैसे नहीं होते इलाज के कारण इस कांग्रेस के राज में, हमने उसका बंदोबस्त करा जी, उसका बंदोबस्त करा, अरे गरा बना के दे दिया हमने तो जी। इतना ही नहीं क्या कर रहे हो आपने बेरा ही नहीं क्यों करो है काम किसने, और नु कह रहे थे ये कह रहे कि बोला भाई अरे 7 साल हो गए आयुष्मान भारत की स्कीम को चल ले और तुमको 15-15 लाख रुपए डाल दो, 15-15 नहीं 35-35 लाख रुपए डाल दिया हमने तो, इसलिए ना एक बात अरे डाल ले हर साल चार्ज कर दे। ओ, अरे वो जो इलाज कराओ ना बेचारा गरीब आदमी उन्हें पूछ के भाई हर साल 5 लाख रुपए का तेरा यू कार्ड बनका हो कि ना हो, इन बेकार में क्यों कर देख दाऊ था हमने, क्या नहीं हो रही जरूरत ने भगवान करा के मारे किसी भी आदमी को इस कार्ड की जरूरत नहीं पड़े, वो स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहने के लिए हरियाणा की सरकार ने वेलनेस सेंटर खोल दिए। हम तो कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने योगा की क्लासेस शुरू करवा दी, हमने व्यायामशाला खोल दी कि भाई हमारा एक भी आदमी बीमार ना हो, और थारे की जाना थोड़ी ना सोचेंगे भाई यू कद बीमार हो है कद इसमें से जुगाड़ निकले, अरे जुगाड़ू लोग है करते था हम यार ऐसे बात कर रहे हो, ऐसे नहीं सर हमने ना हमारी सरकार ने एक एक काम चुन चुन कर करा सर, चुन चुन कर मेरे तो यहाँ कहते हैं जी भी खड़े हुए आदरणीय कादियान साहब सॉरी मारे मामा लाग गए कहने में कोई अर्थ भी नहीं कदम नाम में ले सकूं भैया, किसान विरोधी सरकार है। सर मैं एक बात पूछना चाहूं भैया, तो किसान ही तहसील है जी, किसान ही तहसील होते हुए 60 साल में हिंदुस्तान के किसान के लिए एक ये योजना बनाई जिससे किसान खुशहाल हुआ समृद्ध हुआ और अपने पैरों पे खड़ा हुआ, एक योजना गिना दे सर मान जाऊंगा। और पहली बार एक मिनट दे पहली बार हम लोगों को कहते किसान विरोधी, इस देश में पहली बार हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने जिसने हिंदुस्तान के किसान के दर्द को समझा। 1999 तो पहले सर ही फिर इनकन लागे कब के कह रहा, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक योजना बनाई, उस योजना से पहले ये लोग तो किसान नेशनल बैंक में खाता खोल ले उसकी भी परमिशन नहीं थी दी, वो भी जाहिरदा कोऑपरेटिव बैंक में लैंड मॉर्गेज में आड़े रगड़ के मर जा करता एमसीएल कटवांदा किसान बेचारा अगवाई मारे अड़े तो लोन हो जाए। पहली बार हिंदुस्तान के किसान को अधिकार दिया कि भाई तू किसी भी नेशनल बैंक में जा और जाके तू अपना कार्ड बनवा और 1 किले के ऊपर 40,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए तक का और वो भी 4% पे ब्याज, और भाई तू ये दे और अपना जा खेती बाड़ी कर और जितने भी तेरे संकट हो सारे संकटों को खत्म कर। हम किसान विरोधी हुए जिन लोगों ने हिंदुस्तान के हर किसान को नेशनल बैंक के साथ जोड़ दिया और उसको कहा कि 1 एकड़ के ऊपर आप लोग 40,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए तक का लोन लीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस हुकूमत ने 60 साल तक इस देश में राज किया वो बताएं कि कोई एक इस तरह की योजना कभी आपके दिमाग में आई, कभी सोची, ये सोच भी नहीं पाए। सर हमने उसको लागू कर दिया, अभी फिर कहते हैं कि भाई ये तो बड़े किसान विरोधी है। अरे भाई क्या के किसान विरोधी, हमने हर काम को टाइम दर के कराया है,
उन्होंने एक बे एवं करके चले गए कई बार की कई घोषणा जी हम सुने। हमारे भी विपक्ष के नेता जी भी कई बार खड़े होते हैं आदरणीय हमारे सम्मानीय है, वो ये कह दें कि देख भाई इसका तो उद्घाटन हम करके गए। भाई उद्घाटन करने में सारी चीज आ गई क्या? उद्घाटन करने से सारे काम हो गए क्या जी? उद्घाटन ही करने से काम नहीं बनते, काम करके दिखाने हुए हैं। साहब हमने टाइम धरा और ये कहा कि 2022 तक हम इस देश के किसान की आय को दुगना करेंगे। सर टाइम धर के जब सारी दुनिया मंदी में थी, जब सारी दुनिया मंदी में थी, सारी दुनिया महंगाई बढ़ रही, सारी दुनिया अपने लोगों के जीवन को बचाने के लिए बेचारे इधर उधर बात कर रहे। मैं मामा तय कह रहा हूँ जी वो ही बात नहीं है तो इनका है तो इनका जी या कुछ कह लो इनकी छूट है जी। मामा देखो मामा चाहे अपने देखो जी मैं फिर खानदान का तो इनके का हूं जा अपने नरामी बताऊंगे फिर मैं क्या करूं जी इसमें मेरा तो दोस्त नहीं, अभी मेरा तो दोस्त नहीं है जी। सर मैं एक निवेदन कर रहा जी, मैं ये आप पूछना चाह रहा कि भाई हमने टाइम धर के नू कहा कि भाई हम 2022 तक दुगुनी करेंगे, सर हमने कर दी और क्या की? आप निकालो ना सर एक बार इनके हाथ में मेरा एक निवेदन है। 2013-14 में हिंदुस्तान के किसान की कितने फसलें चाहे जो गवारो ज्वारो रड़ो मूंग हो उड़द हो सूरजमुखी हो चाहे हमारी सरसों चाहे बाजरा हो चाहे गेहूं हो चाहे धान हो चाहे रागी हो, सर किसी भी फसल का आप लोग 2013-14 में क्या दाम था और आज 2023-24 में क्या दाम है? दुगने ना हो गए हो ना जी, दुगने ना हो गए हो ना जी, दुगने ना हो गए ना जी। राजनीति छोड़ देंगे और यह बता दो एक बार अक भाई अगर हमने गेहूं के और धान के अलावा जे एक टिंडा भी खरीदा हो जी, एक टिंडा भी बाजरा खरीदा हो सरसों खरीदी हो ज्वार खरीदा हो ग्वार खरीदा हो कुछ तो करा होगा। बिना कुछ करने वाले आदमी खड़े होकर बोले जी किसान विरोधी किसान विरोधी, वे किसान है ना जी। पिछली बार भी खूब आनंद से आशीर्वाद दिया था और इस बार तो अगले नु कह रहे हैं कि भाई जमा गति मौज कर दी और भाई ये फिर हम तो 400 पार वाले काम न करेंगे। अरिब नु कह रहे थे बोला भाई मुख्यमंत्री जी बदल दिए, भाई हमने बदल दी हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के लोगों के ने सोचा कि भाई बदल लो। अब मेरा एक निवेदन है जी, थारे वाले में दम है क्या? नहीं तुम्हारे वाले में दम था क्या किसी में? आप तो जिला अध्यक्ष भी बदल सकते अपनी मर्जी से, ओड़े झूठ बाजे इनके। सर हमने हमारी सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज भी हिमाचल में देखो जी अभी 2-3 बार गया, 2-3 लोगों ने कहा कि भाई अंतरात्मा की बात सुनो, कमाल हो गया जी। मारे तो कह रहे बिल अंतरात्मा की बात सुनो, उनने हिमाचल वाला तो निकाह कदे अंतरात्मा की बात सुनो। एक ने गलती तो मुख्यमंत्री ने वहां के ने कह दिया कि भाई सारे विधायक स्वतंत्र हैं अपने अंतरात्मा की बात सुनेंगे। अंतरात्मा की बात उनकी ये थी कि एक ईसा वकील कांग्रेस ने उड़ा खड़ा कर दिया जी राज्यसभा में, जिसने भगवान राम का अपमान कर रखा था। 6 कांग्रेस के अंतरात्मा जागी, वनु बोले बोले ये वो बदमाश है जिनसे ने देश की सुप्रीम कोर्ट में ठीक कहा है, सोच समझ के कहा जिसने देश की सुप्रीम, ये हरामी कह सकते हैं, मैंने बदमाश कह दिया क्यों है कोई सर? एक स्पीकर सर उस आदमी की न 6 लोग की अंतरात्मा न्यू जागी, वह नु बोले बिला भाई ये वो आदमी है जिसने इस देश की सुप्रीम कोर्ट में न्यू जाकर ने लफनामा दे दिया। अक भाई ये आदमी तो ये जो राम बोल रहे ना बीजेपी वाले या देश की जनता जो सारी, ये जो राम है ना ये तो काल्पनिक है, ये तो होया नहीं। अयोध्या में कोई मंदिर नहीं कुछ नहीं, उनके अंतरात्मा जाग गई और उनके अंतरात्मा जाग के ने ऐसा रगड़ा लगाया अगर दोबारा हिमाचल का ना मुंह करके सोगा वो आदमी। और आदरणीय उड्डा साहब भी गए थे मनाने, आज भी मैं कह रहा हूँ
कि आपकी अंतरात्मा ने अपनी ने जगाओ, और जो लोगों को आप लोग हमें सीख दे रहे हो ना, अंतरात्मा अंतरात्मा, अरे इस अंतरात्मा के दम पे ही हम लोग यहाँ है, और अपनी अंतरात्मा से ही बोलते हैं कि भाई हम लोगों ने निर्णय कर दिया था, हम तो सोच भी नहीं सकते सर। हमने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा टाइम धड़कन है कि भाई मेरी बात सुन भाई, ये कहा कि यहाँ सपने में नहीं सोच पाए सर, हमने काम कर दिया, तय कर दिया, डेट रख दी, और डेट ये रखी कि जब हम लोग अपने देश की आजादी का 100वां साल बना रहे होंगे 2047 तक, हम लोग हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। हम बनाएंगे, हम बढ़ाएंगे, हमारी नीयत अच्छी है, नीति अच्छी है, और उसी नीयत और नीति के दम पे हम लोगों ने ऐसे कल्याणकारी काम किए। एक बात पूछ लो इनसे सर, जब बताया था 2,70,00,000 बैंक के खाते थे जी 60 साल में 2014 तक। अरे इतना बड़ा देश श्रमिक रंदे सारे कांग्रेसी कांग्रेसी आगे खलवा रखे थे, दूसरे का नंबर नहीं पड़ा था सर। आज है ना 51.5 करोड़ बैंक के खाते खुल गए, और वो बैंक के खाते इसलिए खोले जो दलाल घूमया कर देना जी दलाल जो, अरे रुक जाओ हम तो बस मेरे तक के सुन गए, कन्यादान के पीछे भी खा जा करते जी, इतने बदमाश लोग थे, अरे घूमे हुए दलाल, मैंने आपका नाम नहीं लिया जी, मतलब दलाल थे जी, और वो जब घूमया करते तो 51.5 करोड़ बैंक में खाते खोल के ना, ये बिचारी जो घर की मारी माए है बाणे है वो इतनी सुखी है। अक भाई जब आड़े तो है ना एक बटन क्लिक दबाओ है ना एक, तो जो हमारी दलित बहन है उसके खाते में 71,000, जो हमारी बीसी की बहन है उसके खाते में 31,000, और जो किसी भी मतलब दलित ने छोड़ दे दूसरी है बहन भी दुआ है उसके खाते में 51,000, और जर्नल लाली भी को मेरी बहन ऐसी ना जिसकी इनकम 1,80,000 तक कम है उसके खाते में भी 11,000 बिना दलाल के टक दे पहुंचे, हम सोच भी पाए कभी, अरे सोच पाए बताओ। अरे नू कह रहे जी बिले भाई ये कल्याणकारी के है ये, देखो सर आज मैंने बात है ना बड़े हल्के और सहज ढंग से इसलिए की, उसके भी पीछे कारण है, इतना ही सहज मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में बैठे हैं, बहुत सहज है, बहुत आराम से बात समझने वाला सुनने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है कि देखो भाई पहले वाले को तो आपने कहा सुनो, पहले वाले के बारे में तो आप पे तारीफ कर रहे हो, जबके तड़की के अक भाई घना ईमानदार घना शरीफ, उसने किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा, कुछ नहीं होया, उसकी तारीफ तो आपने कर दी, और शरीफ है मेरे मामा ने कह दिया सर्टिफिकेट दे दिया कांग्रेस का नेता अक भाई शरीफ है ठीक है। और भाई और दूसरा क्या था मेरे तक कह रहे के बात सुन भाई साहब, मैं निवेदन ये कर रहा सर कि भाई एक एक चीज है ना सर, हम लोगों ने बड़ा तय कर करके इस देश और प्रदेश के लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाते हुए हमने हिंदुस्तान को भी आगे लेके जाना है, और इस प्रदेश को भी नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। सर मैं एक निवेदन करके बात को खत्म करूंगा कि आदरणीय नायब सैनी जी वो माननीय मनोहर जी इतने भले आदमी जिन लोगों ने इस प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी कल्याणकारी योजनाएं बनाकर जो जो देश की और प्रदेश की जनता को समर्पित की, भाई नायब जी उसी पद चिन्हों पर चलते हुए अच्छे से यहाँ के लोगों का जो अंत्योदय करने का अपना सपना है उस सपने को साकार करने में दिन रात एक करेंगे, पूरी पार्टी पूरा भाजपा पूरा विपक्ष तेरे साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।